गाइस अस्सलाम वालेकुम, दैट्स महबूबा आपका अजी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जनाब, आज हमने एक छोटी सी 11वीं शरीफ रखी है घर में, तो हमने कहा कि चलो शुरुआत करते हैं 11वीं शरीफ की, ताकि आगे सालों में जाते जाते जो है बरकत होती रहे और बड़े पैमाने पर जो है हम लोगों को 11वीं की नियाज खिलाते रहें। तो छोटी सी की है, मोहल्ले में बांटेंगे, पूरे अपार्टमेंट में बांटेंगे, मस्जिद में बांटेंगे, और रिश्तेदार कुछ बुलाए हैं उनके साथ खाएंगे और टाइम स्पेंड करेंगे, और इसी तरह से जो है आज का दिन गुजरेगा। तो मैंने कहा कि आपके साथ शेयर करूँ आज का ब्लॉग, सो यही सारे मामला होने वाले हैं। हमने बाहर से बनवाई है और अम्मी कह रही हैं जर्दा मैं घर में बनाऊंगी, तो उसी की तैयारी हो रही है। मैंने सेला चावल जो है भिगो दिए हैं और अभी मुझे जो है ड्राई फ्रूट्स काटने हैं, तो मैं काट के फिर कंटिन्यू करती हूँ। तो मैंने फाइनली ड्राई फ्रूट सारे काट लिए हैं। कहाँ गए मेरे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स? यस, ये रहे मेरे सारे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स मैं काट चुकी हूँ और अभी जल्दी से मम्मा आएंगी और वो जर्दा बनाएंगी, तो फिर जर्दा बनेगा तो वो जो है फातिया लगेगा, फातिया वगैरह पड़ेंगी और फिर जो है बांटने का सारा मामला शुरू होंगे। लेकिन अभी तक मेरी अम्मी का कोई अता पता है नहीं, नमाजें पढ़ रही हैं, फिर अलग से दूसरे फातिया पढ़ रही हैं और इस तरह के मामला चल रहे हैं। तो नहा धो लें, नमाजें सारी पढ़ लें, फिर उसके बाद जर्दा बनाना शुरू करेंगी और जब बन जाएगा तो फिर बांटने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ओके, सो फाइनली अम्मी जो है किचन में घुस चुकी हैं जर्दा बनाने के लिए। एक्चुअली हमारी लाइट चली गई है, जनरेटर चल रहा है तो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, तो इसलिए मैंने जो है अभी अपनी खुद की आवाज़ बंद करके वॉइस ओवर डाल रही हूँ ताकि आपसे बातचीत कर सकूँ। तो ज़ोर शोर से हमारे जर्दे की तैयारियाँ चल रही हैं। इस दौरान हमने कहा कि थोड़ा सा चाय पी ली जाए, तो अभी हम चाय बना रहे हैं और चाय पी के जो है मामला सारे हमारे हैंडल करेंगे। और माशाल्लाह से हमारा ज़र्दा तैयार है, बहुत ज़बरदस्त सा लग रहा है। अम्मी ने बहुत बेहतरीन ज़र्दा बनाया है, तो इसको बनाने की एक अलग से टेक्निक है, इसकी रेसिपी मैं ज़रूर शेयर करूँगी अगर अम्मी का दिल हुआ तो। सो ज़र्दा हमारा बन चुका है और अम्मी जो है फातिहा वगैरह करना शुरू हो गई हैं, माशाल्लाह से दुआएं कर रही हैं, फातिहा पढ़ रही हैं, और ये बहुत ही लंबा चौड़ा सिलसिला चलेगा क्योंकि अम्मी जब पढ़ने बैठ जाती है ना तो फिर वो टाइम नहीं होता कि कब ख़त्म होगा। इवन वो जब नमाज भी पढ़ती हैं तो हर नमाज के बाद इनकी दुआएं बड़ी लंबी होती हैं, बड़े लंबे फातिहे वगैरह करती हैं, माशाल्लाह से अच्छी बात है। फातिहा पढ़ के दुआएं वगैरह करके सारे प्यारों को जो है ईसाल सवाब पहुँचा के फिर हमारा जो है बांटने का सिलसिला हम शुरू करेंगे। ओके, तो बिस्मिल्लाह हमने हमारी ट्रेस भरना शुरू कर दी है। इन ट्रेस से जो है मैं सारी प्लेटें भरूंगी और मेरे भाई को दूंगी ताकि वो अपार्टमेंट में पहले तो जो है बांट दे। पहले हम पूरा हमारा अपार्टमेंट कवर करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम हमारे अपार्टमेंट के बाहर जो है लोग जिनको हम जानते हैं, मस्जिद वगैरह हो गई वहाँ पर भेजेंगे, एंड देन उसके बाद फिर जो है हमारे घर में हम खिलाएंगे। तो इस तरह से जो है ये सिलसिला सारा शुरू होगा। तो अल्लाह पाक जो है इस पर बरकत दे इस अमल में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके घर से खाएँ। हुज़ूर पाक कहते हैं कि अपने दस्तरखान को वसी करो, बड़ा करो, यानी कि आपके दस्तरखान पर और भी लोगों को जोड़ो खाने के लिए, ताकि आपके घर के रिस्क में बरकत अता हो। तो चलिए फटाफट बांटते हैं और बांटने के बाद जो है कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को। और मैंने भी सब जगह बांट दिया है और मेरी पूरी बैंड बच चुकी है, क्योंकि यहाँ वहाँ भागने में जो है आपकी हवा टाइट हो जाती है। और इसी के साथ हमारी मरियम आ गई है, माशाल्लाह से प्यारी सी गुड़िया। तो मेहमान भी आ चुके हैं, तो मेहमान को जो है फटाफट हम खिलाएंगे खाना और उसके बाद फिर मरियम के साथ बहुत सारी मस्ती करेंगे। और इसी दौरान अब देखो मेरी हालत फुल टू टाइट हो चुकी है, पसीने से जेब हो चुकी हूँ, और आखिरकार एंड द एंड मैंने कहा मैं भी खा लूँ, क्योंकि सबको तो खिला दिया है तो मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी खा लूँ नियाज। देन उसके बाद फटाफट से मैं किचन में गई और मैंने जो है बिरयानी की थैलियाँ भरना शुरू कर दी, क्योंकि हमें जो है सारी की सारी बिरयानी ज़्यादा से ज़्यादा बांटनी थी, क्योंकि इसी नियत से हमने बनवाई थी। तो मैंने फटाफट थैलियाँ बनाई और बांटना शुरू किया, क्योंकि हमने जो है बाहर जो जितने भी रक्षे वाले हैं, सब्ज़ी वाले हैं, उन सबको जो है देनी थी। देन उसके बाद फाइनली फारिग हुए और आपस में हम सब ने बातें की, थोड़ा टाइम स्पेंड किया अपने प्यारों से और थोड़ी मस्ती की, और इस तरह से मेरा जो है ये वाला दिन आज का गुजरा। और यस, यही सारी हड़पा तड़पी और बहुत सारा काम शाम था, लेकिन अच्छा दिन गुजरा, मज़ा आया। फाइनली हमारी जो है 11वीं शरीफ ख़त्म हो चुकी है, माशाल्लाह से अपार्टमेंट में हमने बांटा, मेहमान जो है उन्होंने खाया, और जो बचा हुआ था वो भी हमने जो है बाहर बांट दिया थैलियाँ बांध बांध कर। सो अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ कीजिएगा अल्लाह और बरकत दे ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा जो है नियाज करें और लोग उसको खाएँ। सो या अम्मी ने आज जर्दा बड़ा बेहतरीन बनाया था, अम्मी बताएं जर्दा। हाँ, काफी टाइम बाद बनाया मगर बहुत अच्छा बन गया माशाल्लाह, वो भी 11वीं की वजह से अच्छा बन गया शायद। हाँ, चलें इसी के साथ आज का मेरा ब्लॉग होता है ख़त्म। बहुत बैंड बज गई, एक तो पता नहीं इतनी गर्मी लगती है और बांटने में उसमें करने में बहुत हवा टाइट हो जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से खैर खैरियत से हो चुका है। सो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। दिस इज महबूबा कादरी सेइंग अल्लाह हाफिज़ यू ऑल।